लगातार छात्र जो ये सोच रहे हैं कि नंबर बढ़ेगा सीटेट में, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि नंबर आखिर कैसे बढ़ता है। तो फाइनली देखिए, आप जो आंसर की चेक कर रहे हैं तो आंसर की के सभी के नीचे दिया गया है ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 13, सी इक्वल टू 14, डी इक्वल टू 23, ई इक्वल टू 24, एफ इक्वल टू 34 एंड जेड इक्वल टू आल। यानी यही डिसाइड आपका करेगा कि आपका नंबर कितना बढ़ेगा और कितना नंबर नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब मेरे मित्र, ये एक अनावश्यक ही नंबर नहीं बढ़ जाते हैं। इसमें दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये कि अभी तक तो आंसर की का ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है कि आप किस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है, ठीक है, तो वो अलग बात है, वो तो रिजल्ट में क्लियर होगा। बट इस समय जो क्लियर हो चुका है आपका कितना नंबर बढ़ेगा, जब आप अपना आंसर की मिला रहे हैं मेरे मित्र, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आंसर की के नीचे आपका एक ये पोर्शन दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के विकल्प में उत्तर ए दिया है, यानी उसका ऑप्शन ए ऑप्शन टू दोनों सही है, कहीं पर अगर आपका आंसर बी दिया गया है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखा, जैसे ये देखिए जूनियर के साइंस का पेपर है, यहाँ पर आपका एक स्थान पे 80 प्रश्न में देखिए यहाँ पे जेड दिया गया है। देखिए यहाँ से दीजिए कि 80 का उत्तर जेड दिया, यानी 80 का जो उत्तर सही होगा वो आल, यानी 80 जो प्रश्न नंबर 80 है उसके चारों विकल्प सही है, आयोग ने उसके चारों विकल्पों को सही माना है। यानी अगर कोई भी मित्र यहाँ पर देखिए वो कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा तो इसका उसे बोनस नंबर मिलेगा, यानी जो जूनियर के बच्चे हैं उन्हें एक नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ऐसे ही एफ में देखिए 3, 4 अगर किसी के भी क्वेश्चन में कहीं भी ए बी सी डी ई एफ जी जेड कहीं भी लिखा मिला है और उन्होंने उसने जो है इन ऐसे ए इक्वल टू 1, 2 है, आपने इन दोनों में से कोई एक ही विकल्प टिक किया है या दो पिक किया, तो आपका दोनों सही माना जाएगा, ठीक है। और बी में 1, 3 है तो आपका आपने 1 पिक किया हो या फिर 3 पिक किया होगा, आपका सही माना जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो जेड है तो आप किसी पे भी टिक किए होंगे तो आपका वो एक नंबर आपको मिलना ही मिलना है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपके आंसर की है, आपके आंसर की में कहाँ ए है, कहाँ बी है, कहाँ सी है, कहाँ डी है, तो ये इसके हिसाब से होगा, ठीक है। और जो अभी तक आपत्तियाँ लगाई जा रही हैं, मैंने भी 2-3 क्वेश्चन पर आपत्तियाँ लगवाई हैं, ठीक है, तो देखते हैं उस नंबर पे उस पर कुछ बोनस मिलता है। अगर बोनस मिलेगा तो आप सभी को फायदा होगा मेरे मित्र, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ये जो आंसर की बात होती है कि किसको कितना नंबर बढ़ेगा, तो यही जिसकी संख्या ज़्यादा होगी जिसके आंसर बुकलेट में उसकी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप अपना चेक कर लीजिए कि आप में ये है या नहीं है, अगर है तो बढ़ेगा, नहीं है तो नहीं बढ़ेगा, यही कन्फर्म है। और किसी बहकावे में ना ये कि हाँ 10 नंबर 20 नंबर, यही इसका आधार है। बट बढ़ने के चांसेस सभी के 2-1 नंबर रहते ही रहते हैं। बट जो होगा मेरे मित्र आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर बताया जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, बताएंगे आपको कि रिजल्ट में कितना बढ़ रहा है। तो मेरे मित्र फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।